फिर दोस्तों एक केस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो केस है पैंक्रियाटाइटिस का। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जब ब्लड इन्वेस्टिगेशन की गई, सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज ये दोनों भी इंक्रीज मिला, एलिवेटेड मिला। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज जो इंक्रीज अगर है, एलिवेटेड अगर आता है रिपोर्ट के अंदर, जैसे कि आप लोग देख रहे हो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, इससे ज्यादा भी बढ़ता है, तो इसकी क्या कारण हो सकते हैं की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पेशेंट एक कंप्लेन लेकर आता है, अब्डोमिनल पेन और इसके साथ में ब्रीथलेस वगैरह की प्रॉब्लम या कंप्लेन लेकर आता है, और ये जो पेन होता है पैंक्रियाटाइटिस का ये रिफेड होता है, पीछे फैलता है और साथ ही खाने के बाद दर्द होता है। इस तरह की कुछ कंप्लेन जो है पैंक्रियाटाइटिस पेशेंट में मिलती है, और सीरम अमाइलेज सीरम लाइपेज इसमें बढ़ा हुआ मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके दोनों यानी कि सीरम अमाइलेज सीरम लाइपेज जो है एक तरह के एंजाइम होते हैं। दोस्तों सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज ये दोनों भी एक तरह से हमारे डाइजेशन के अंदर बहुत ही हेल्पफुल जो है एक तरह के एंजाइम्स होते हैं। ये सिक्रेशन तो मोस्टली पैंक्रियास से ही होते हैं, साथ ही सलाइवरी ग्लैंड से भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये पैंक्रियास से सिक्रेशन इसका होता है, और डाइजेशन के अंदर जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। डाइजेशन के अंदर दोस्तों ये हम फैट्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, फैट्स को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। सीरम अमाइलेज या सीरम लाइपेज, तो इसके कुछ कॉजेज हो सकते हैं। कॉजेज की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, जैसे कि एब्डोमिनल ट्रॉमा है या इंजरी है, या अल्कोहलिक अगर कोई है, जैसे कि पेशेंट है हमारे पास ये अल्कोहलिक है, कार्सिनोमा है, कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अगर बड़ा हुआ है, आप लोग जानते हैं DKA यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, और उसमें भी जो है सीरम अमाइलेज जो है तो बढ़ जाता है। ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मम्स है, जी हाँ दोस्तों जो इन्फेक्शन होता है मम्स का हम लोग जानते हैं, उसके अंदर भी सीरम अमाइलेज जो है तो बढ़ जाता है। साथ ही पेरिटोनाइटिस है, पेरिटोनाइटिस है जो कि जो पेट के ऊपर या अब्डोमिनल कैविटी का जो कवरिंग हो रही है, अगर वहां किसी तरह का फ्लूड अगर एक्यूमुलेशन है तो उसकी वजह से भी दोस्तों, या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन है उसमें भी दोस्तों सीरम अमाइलेज या सीरम लाइपेज। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें सीरम अमाइलेज या लाइपेज डिक्रीज मिलेगा या लो मिलेगा? ऐसी बहुत ही कम कंडीशन होती है, जैसे कि क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस अगर है, पैंक्रियाटाइटिस अगर क्रोनिक है ऐसे में, या फिर सी ऑफ पैंक्रियास, या फिर लगभग जो करीबी जो ऑर्गेन्स होते हैं अगर वहां पर सीए है यानी कैंसर है, तो उसकी वजह से भी सीरम लाइपेज या सीरम अमाइलेज जो है तो लो मिलेगा या डिक्रीज मिलेगा नॉर्मल रेंज से। और इसके साथ ही अगर बहुत ज्यादा सीवियर बर्न का केस अगर है उसमें भी दोस्तों ये मिलेगा, यानी कि